हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 15 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप की एक्सरसाइज 15.4। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, हेयर आर द शैडो ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट व्हेन सी अंडर द लैम्प एंड ए ओवरहेड प्रोजेक्टर। यानी कि अगर कुछ सॉलिड शेप को अगर हम किसी लैम्प के नीचे रखते हैं तो उनकी जो शैडो बनती है, उनकी शैडो की शेप हमें यहाँ दे रखी है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, इस तरीके से। ठीक है, आइडेंटिफाइड द सॉलिड, हमें उन सॉलिड को आइडेंटिफाई करना है, मैच द ईच शैडो, जिनकी शैडो कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, जैसे सर्कुलर है। अब मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके भी दिखाया था कि एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल की अगर शैडो देखी जाए, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगी तो इसकी शैडो आपको थोड़ी हल्की नज़र आ रही होगी। यहाँ पे कैसे नज़र आ रही है, सर्कुलर नज़र आ रही है। तो यानी कि ऐसी शेप जो कि इस तरीके की होगी, राउंड शेप में होगी, उन सभी की जो शैडो होगी वो सर्कुलर शेप में ही बनेगी। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट बॉल होगी, इसकी शैडो भी क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। वाटर बॉल या फुटबॉल, इनकी शैडो भी क्या होगी, सर्कल ही बनेगी। ठीक, हाँ, डिस्क, इसकी शेप भी कैसी बनेगी, सर्कल ही बनेगी। और भी इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, प्लेट होगी, शेप कैसी होगी, इनकी शैडो की सर्कुलर ही होगी। इसी तरीके से स्क्वायर, अब स्क्वायर बनाने के लिए हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, उसका सारे फेस स्क्वायर ही होने चाहिए। जैसे कि एक डाई हो गया, डाई क्या होता है, एक तरीके का मैं आपको दिखा दूँ, डाई हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, जिसके सारे फेस कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे। अगर इस पर कोई ऑब्जेक्ट की शैडो डालेंगे तो क्या बनेगा, वो स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, डाई हो गया या फिर चॉक बॉक्स हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई बुक हो सकती है जो कि स्क्वायर शेप में हो, उसकी शैडो। अब ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल बनाने के लिए, जैसे कि आप कोई कोन लोगे, इसके ऊपर अगर आप लाइट डालते हो तो उसकी शेप एक ट्रायंगुलर शेप में ही बनेगी। ठीक है, तो या तो आप आइसक्रीम कोन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, आइसक्रीम कौन लिख दो, या बर्थडे कैप लिख दो, वो भी कुछ इस तरीके की होती है, बर्थडे कैप लिख दो। ठीक है, या जोकर कैप लिख दो। ये सभी एग्जांपल बनाए हैं, शैडो बनाएंगे कैसी, ट्रायंगुलर शेप में। अब रेक्टेंगुलर शेप में किसकी किसकी शैडो बनती है, जैसे कि हमारी कोई बुक हो गई, उसकी शेप भी कैसे बनती है, जैसे ये बुक है, अगर आप इस पर लाइट डालोगे तो उसकी शेप भी कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर ही बनेगी। कीबोर्ड हो गया, ठीक, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक, इनकी शेप भी कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर ही बनेगी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बोला कि एग्जामिन इन द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। द क्यूब कैन कास्ट अ शैडो द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या कोई क्यूब है वो उसकी शैडो क्या रेक्टेंगुलर शेप में बन सकती है। हाँ, जरूर बन सकती है, चाहो तो आप ट्राई भी कर सकते हो। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब लिया, इस क्यूब के ऊपर कुछ इस तरीके से लाइट डाली। अब डिपेंड करता है जो हम लाइट डाल रहे हैं वो कौन से एंगल से डाल रहे हैं। ठीक है, अगर टॉप से डालेंगे तो इसकी जो नीचे शैडो बनेगी वो बिल्कुल स्क्वायर बनेगी, लेकिन लाइट जैसे जैसे हमारी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करेगी, एंगल चेंज करेगी, वैसे वैसे इसकी शैडो भी रेक्टेंगुलर शेप बना सकती है। तो इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड बोला गया है द क्यूब कैन कास्ट अ शैडो शेप ऑफ अ हेक्सागन, देखो हेक्सागन होता कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिसके अंदर कितनी डायमेंशन होती है, 6 होती है। इसके जो फेस होता है इसमें 4 ही डायमेंशन होती है, तो अगर शैडो बनाएंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही डायमेंशन आएगी, 6 डायमेंशन कभी भी नहीं आ सकती। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, 4 डायमेंशन होगी, या तो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।